नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आया है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि सोना चांदी आज काफी शानदार बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। सोना आज इंटरनेशनल मार्केट में $1911 पर ट्रेड कर रहा है, आधे फीसदी से ज़्यादा की बढ़त है। सिल्वर $24.16 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है, 0.25% की तेजी चांदी में भी या सिल्वर में भी बनती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि स्पॉट गोल्ड में आज और सिल्वर में आज तेजी देखने को मिली है, $1900 के पार निकल चुका है एक बार गोल्ड। फिर से आपको बता दें, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और उसकी वजह से ये जो गोल्ड के जो प्राइजेज हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक बार फिर से सेफ हेवन डिमांड देखने को मिल रही है। सोने चांदी में जो सुरक्षित निवेश मांग होती है वो एक बार फिर से निकल रही है धीरे धीरे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों को लगातार सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि सोना और चांदी काफ़ी शानदार तेजी के साथ कारोबार करते नज़र आ रहे हैं। हमने यही लेवल्स लॉकडाउन के दौरान भी देखे थे कि यही लेवल्स देखने को मिले थे और अब एक बार फिर से देख रहे हैं कि वही लेवल्स एक बार फिर से बनते नज़र आ रहे हैं। और जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आगे कीमतें उछल सकती हैं। और ये जो महंगाई दर पूरे वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है वो फेड को यानी फेडरल रिजर्व बैंक को एक इशारा दे रही है और ब्याज दर में बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर भी कर रही है। फेड के क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो आगे जाके जानेंगे, भविष्य में क्या देखने को मिलेगा उसके भी आपको अपडेट दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में सोने चांदी में यहाँ से और कीमतें बढ़ेंगी या फिर यहाँ से करेक्शन बनेगी। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर एक बार फिर से शानदार तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं कि गोल्ड $1900 के पार है, $1910 पर है, चांदी भी $24 से ज्यादा पर ट्रेड करती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या सोने चांदी में यहां से और अच्छी रैली निकलेगी और क्या इन स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अच्छे लेवल से, या फिर यहाँ से अभी थोड़ा और वेट कर लें और फिर कीमतें बढ़ने पर फिर प्रॉफिट बुक करें? देखिए, अभी जो सोना है वो पॉजिटिव है और $1920 हम देख रहे हैं कि एक बार इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सस्टेन हो सकता है। अगर $1920 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो और ज्यादा रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, सबसे अहम कारण है रूस और यूक्रेन के बीच में बढ़ता तनाव। अगर स्थितियां गहराती हैं तो सोने और चांदी के अंदर फिर से तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। अभी तो फिलहाल जो स्थिति है उसके मद्देनजर हमें पॉजिटिव आता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है और काफी लंबे अरसे के बाद हमने सोने को 50,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखा है। अब यहाँ से 50,800 से हो सकता है 51,000 का भी स्तर देखने को मिले, तो फिलहाल के लिए डिप पर बाइंग की रणनीति होनी चाहिए और जिन्होंने बाइंग किया हुआ है वो अभी होल्ड कर सकते हैं। $1920 एक बार इंटरनेशनल मार्केट में आता हुआ देख सकते हैं, अगर वो सस्टेन होता है तो $1940 से $1960 तक की तेजी बन सकती है। तो फिलहाल सोने और चांदी में खरीदारी की तरफ रहना चाहिए और चांदी भी मुझे लगता है कि 65,000 तक के स्तर छूती हुई दिखाई दे सकती है। जी, इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि जो माहौल है काफी ज्यादा गर्मा गया है, पूरे वैश्विक स्तर में कच्चे तेल में मानो की आग लगी हुई हो। एक तरफ रूस और यूक्रेन का विवाद जारी है, दूसरी तरफ जो ओपेक प्लस है वो कह रहे हैं कि वो जो 4,00,000 बैरल प्रति दिन की जो उत्पादन बढ़ाने का जो स्ट्रेटेजी थी, जो प्लान था, वो उसी को ही फॉलो करेगा, अभी उसी पर स्टिक टू रहेगा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते जो सप्लाई है वो पहले से ही डिस्टर्ब हो रखी है और इतनी सप्लाई देखने को भी नहीं मिल रही है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या कच्चा तेल $100 के भी पार जा सकता है या फिर अब बहुत ही जल्द होने वाला है? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि कच्चा तेल $100 का लेवल छू सकता है, क्योंकि देखिए $90 के बाद हमने इसको थोड़ा सा फिसलते हुए देखा, लेकिन अगेन फिर बाइंग आई टेक्निकली देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से अभी फिलहाल $95 से $98 का टारगेट आता हुआ हम देख रहे हैं,
और उसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती है तो $100 तक भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अभी जो डिपेंड करेगा वो बिल्कुल रूस और यूक्रेन के अंदर कैसी स्थिति रहती है उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों ही तेल उत्पादक देश है और अगर युद्ध बढ़ता है तो काफी चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगती हुई दिखाई देंगी। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसको हम जो है वो बाहर कर देंगे, काफी एक्सपोर्ट जो है वो भी बंद कर दिया जाएगा। तो कई तरह की पाबंदियां रूस पर लगती हुई दिखाई देंगी अगर ऐसी स्थिति आती है, तो इसका सीधा असर तेल के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा और कच्चा तेल हो सकता है $100 के भी पार जाता हुआ दिखाई दे। अभी फिलहाल जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो $92 से $95 मैक्सिमम एक बार अपसाइड है, और अगर स्थितियां गहराती है तो ऊपर में $98 से $100 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, जो नाटो है और जो ब्रिटेन है वो भी काफी अगेंस्ट है रशिया के इस समय, और ये भी कहा जा रहा है कि वो कई सारे जो कंट्रीज हैं, जो कई सारे देश हैं, वो कह रहे हैं कि रशिया के ऊपर काफी सारे प्रतिबंध भी लगा दिए जाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल वहां से बंद होता है तो क्या इसका इम्पैक्ट भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ता नजर आ सकता है? देखिए डेफिनेटली अगर प्राइसेस बढ़ते हैं कच्चे तेल के और नेचुरल गैस में भी तेजी बरकरार रहती है तो बिल्कुल पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर भी इसका असर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके चलते तो फिलहाल यही स्थिति बनती नजर आ रही है कि आगे स्थिति और वर्स्ट हो सकती है और कीमतों में उछाल दर्ज किया जा सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं आज हरा भरा बाजार देखने को मिल रहा है काफी। कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में $4.4 पर है, MCX जिंक 295 पर, MCX निकल 1826 पर, MCX लेड 182 पर। रूपा जी देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स में बाहर देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है क्या बेस मेटल्स में यहां से अभी और कीमतें बढ़ सकती है इंट्राडे में? देखिए बिल्कुल बेस मेटल भी पॉजिटिव है अखिलेश, हमने तो हमेशा ही बेस मेटल में खरीदारी की ही रिकमेंडेशन दी है और बाजार भी लगातार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर में अभी पोटेंशियल है, 780-800 तक के स्तर कॉपर में देखने को मिल सकते हैं, और वहीं निकल भी अभी 1800 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो एक अच्छी रैली है। अभी भी हो सकता है कि निकल आने वाले कुछ दिनों में या फिर आप कह सकते हैं कि महीने में आपको 2000 के स्तरों पर भी निकल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके का अभी फिलहाल सिनेरियो बनता नजर आ रहा है उसके चलते लग रहा है कि बाजारों में एक अच्छी रैली बन सकती है यहां से भी, यानी कि करंट लेवल ऑलरेडी काफी ऊपरी स्तरों पर चल रहे हैं लेकिन यहाँ से भी बाइंग बन सकती है। और निकल की जो रेंज है वो फिलहाल नीचे में 1780 और ऊपर में 1840 है, इसको ब्रेक कर देता है तो ऊपर में अपसाइड जो है फिर 1880 से 1900 तक जा सकता है। जिंक एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा रहा है, जिंक जो है 300 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर 292 के आसपास भी मिले तो जिंक में अगेन बाइंग किया जा सकता है। जिंक आने वाले दिनों में 305-308 के आसपास सस्टेन कर सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल गोल्ड को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं मंथ एंड होने पर गोल्ड का क्या टारगेट देखने को मिल सकता है? देखिए मंथ एंड यानी कि फरवरी की बात करें तो अभी फरवरी में हो सकता है कि आपको 50,851 के आसपास फिलहाल गोल्ड सस्टेन करता हुआ दिखाई दे। अगर देखिए ईज ऑफ आता है ये रूस और यूक्रेन के विवाद में तो गोल्ड लुढ़क जाएगा नीचे, तो फिर आपको 50,000 के नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो टोटली अभी जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है गोल्ड के अंदर वो न्यूज बेस है, जैसे जैसे रूस और यूक्रेन की स्थितियां गिराएंगी वैसे वैसे सोना ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा, और ऊपर में हमें लग रहा है कि अगर ये स्थिति बढ़ती है तो 50,800 से 51,000 के आसपास मंथ एंड तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आज आप इंट्राडे के लिए नॉन एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि कॉपर में बाइंग करना चाहिए और कॉपर के साथ साथ क्रूड में भी बाइंग कर सकते हैं, 7,000 के ऊपर क्रूड आज इंट्राडे में निकल सकता है और इंटेक्ट 7100 से 7200 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।